दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पंचवर्षीय योजनाएं के अल्पकालीन उद्देश्य। इससे पहले दोस्तों, मैं आपको दीर्घकालीन उद्देश्य पढ़ा चुका हूं। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से देखेंगे कि पंचवर्षीय योजनाओं के अल्पकालीन उद्देश्य क्या होते हैं। और मैंने आपके लिए यहाँ पे एक टेबल का इस्तेमाल किया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये तो टॉपिक है इस चैप्टर के। तो देखिए, कुछ इस तरीके से मैंने इनको बनाया है आपके लिए, जो कि याद रखने में आपके लिए बहुत ही ज्यादा इजी रहेगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये इस चैप्टर के टॉपिक्स हैं, जिसमें से मैं पहला पढ़ा चुका हूं, दूसरा पढ़ा चुका हूं, तीसरे का या दूसरा पार्ट मैं आपके लिए पढ़ा रहा हूं। आगे हम इन टॉपिक को भी कवर करेंगे। इससे पहले के वीडियोस देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप समष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र इन दोनों की पूरी कंप्लीट बुक देखना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और दोस्तों, मैं आपको साथ में एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि विक्की की पाठशाला ने आपके लिए एक फेसबुक पेज बनाया है। अगर आप वहां पे जाके मुझे फॉलो करते हैं तो आपको हर चैप्टर का वहां पे पीडीएफ लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके आप देख भी पाएंगे और उसे डाउनलोड भी कर पाएंगे। और दोस्तों, मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है, तो आप हमें इसी प्रकार सपोर्ट करते रहें। तो चलिए, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि आखिर ये पंचवर्षीय योजनाएं क्या है। देखिए दोस्तों, योजना का मतलब ही होता है कि किसी काम को करने से पहले उसकी रूपरेखा तैयार करने को हम कहते हैं योजना। अब पंचवर्षीय योजना का मतलब हो गया 5 वर्षों के लिए जो योजनाएं बनाई जाती है उन्हें पंचवर्षीय योजनाएं कहते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं, आखिर ये किस लिए बनाई जाती है? तो दोस्तों, ये बनाई जाती है आर्थिक पहलू के लिए, यानी देश हमारा देश यानी भारत आर्थिक पहलू पर उन्नति करें। इसके लिए भारतीय सरकार ने 1951 में जो आर्थिक नियोजन की नीति अपनाई, उसका नाम रखा गया पंचवर्षीय योजनाएं। और उसके 2 प्रकार के उद्देश्यों को रखा गया, एक दीर्घकालीन उद्देश्य जो लंबे समय में प्राप्त करने की कोशिश की जाएगी, और एक थे अल्पकालीन उद्देश्य जो कि उसी योजना में प्राप्त करने की कोशिश की जाएगी। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आपको दीर्घकालीन उद्देश्य पढ़ा चुका हूं, आज मैं आपको अल्पकालीन उद्देश्य पढ़ाऊंगा। ये जो अल्पकालीन उद्देश्य जो है, हर योजना के अलग अलग होते हैं, पर जो दीर्घकालीन उद्देश्य होते हैं वो सभी योजनाओं के लिए समान होते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारी पहली पंचवर्षीय योजना थी, आप जानते हैं उसका आरंभ कब हुआ था? 1 अप्रैल 1951 में। और इस योजना का जो विशिष्ट उद्देश्य था, क्योंकि हम अल्पकालीन उद्देश्यों को विशिष्ट उद्देश्य भी कह सकते हैं, आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए कि पंचवर्षीय योजनाओं के विशिष्ट उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए, तो विशिष्ट उद्देश्यों का मतलब अल्पकालीन उद्देश्य ही होता है दोस्तों। तो देखिए, जो हमारी पहली योजना थी, जिसका आरंभ 1 अप्रैल 1951 में हुआ था और अंत हुआ था 31 मार्च 1956 में, इसका पहला उद्देश्य था कृषि उत्पादन में वृद्धि करना। क्योंकि दोस्तों, आप बताइए, आपके माता पिता जब उनको सैलरी मिलती है तो सबसे पहला काम क्या करते हैं? वो घर में सबसे पहले राशन भरते हैं। क्यों? क्योंकि राशन, घर में कुछ हो या ना हो, पेट में चारा तो चाहिए, यानी खाना तो चाहिए। तो ऐसे ही दोस्तों, जब भारत को सन 1947 में आजादी मिली अंग्रेजी हुकूमत से, और 1950 26 जनवरी 1950 में भारत एक गणतंत्र राज्य बन गया, यानी भारत का संविधान लागू हो गया, तो तब भारतीय जब पहली योजना में सबसे पहला यही काम किया गया कि जो कृषि क्षेत्र है हमारा, जो प्राथमिक क्षेत्र है, उस के उत्पादन में वृद्धि की जा सके, ताकि भारत खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बन सके। क्योंकि दोस्तों, सबसे पहले खाना होता है, और खाना हमें प्राप्त होता है कृषि से, और कृषि में क्या बोई जाती है? अलग अलग प्रकार की फसलें बोई जाती है। तो पहला
पहला उद्देश्य था भारत सरकार का, जो कि पहली पंचवर्षीय योजना का था, वो था कृषि उत्पादन में वृद्धि करना। इसी में हमारा उद्देश्य था उत्पादन, आय और धन का समान वितरण करना। क्योंकि दोस्तों, जब 1947 में आजादी मिली, 51 में पहली योजना आई, तो ये पाया गया कि कुछ कुछ जमींदारों के पास तो इतनी ज्यादा जमीन है कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है, बट जबकि बहुत सारे ऐसे किसान थे जिनके पास खुद की भूमि नहीं थी। कुछ लोग तो बहुत ज्यादा अमीर थे, कुछ लोग बहुत ज्यादा गरीब थे। तो इसलिए भारत सरकार ने ये निर्णय लिया कि उत्पादन, आय और धन, इनके इनके वितरण में क्या लाई जाए, समानता ला जा सके, ताकि अमीरी और गरीबी की जो इतनी बड़ी खाई थी उसको कम किया जा सके। तो पहली पंचवर्षीय योजना के दो उद्देश्य थे, पहला कृषि क्षेत्र में उत्पादन में वृद्धि करना, और दूसरा उद्देश्य था आय, उत्पादन और धन का समान वितरण करना। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब दूसरी जो हमारी पंचवर्षीय योजना थी, जिसका आरंभ हुआ 1 अप्रैल 1956 में, जब इसका अंत होगा तो इसका आरंभ होगा। सिंपल सी बात है, बीच बीच में गैप आ रखे, बस इन गैपों को आपने ध्यान देना है, तो बाकी आपको पूरा सीक्वेंस याद रहेगा। तो देखिए दोस्तों, जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, उसका जो सबसे मेन उद्देश्य था, औद्योगिक क्षेत्र में वृद्धि करना। देखिए दोस्तों, अगर हम मैं यहां पे लिखूं भारतीय भारतीय अर्थव्यवस्था, अब भारतीय अर्थव्यवस्था का मतलब जहां पे आर्थिक क्रियाओं की व्यवस्था की जाती है वो अर्थव्यवस्था कहलाती है, और भारत में की जाती है तो भारतीय अर्थव्यवस्था कहलाती है। भारतीय अर्थव्यवस्था के तीन क्षेत्र थे दोस्तों, किसी भी अर्थव्यवस्था के तीन क्षेत्र होते हैं प्रमुख, जिसे हम कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र, जो कि कृषि क्षेत्र होता है, दूसरा होता है द्वितीयक क्षेत्र, जिसे हम औद्योगिक क्षेत्र या फिर विनिर्माण क्षेत्र भी कहते हैं, तीसरा होता है हमारा तृतीयक क्षेत्र, जिसे हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, पहली योजना में तो हमने फोकस किया प्राथमिक क्षेत्र पे, और दूसरी योजना में हमारा जो फोकस था वो शिफ्ट हुआ और किस तरफ आ गया, औद्योगिक क्षेत्र में वृद्धि। यानी पहली पहली योजना में हमने क्या किया, कृषि उत्पादों में वृद्धि करना, उनके उत्पादन में वृद्धि करना, यानी कृषि में जो उत्पादन थी और जो उत्पादकता थी उसमें वृद्धि करना, ताकि भारत खाद्यान्न के रूप में क्या हो, आत्मनिर्भर हो। जो भारत सरकार दूसरों से खाद्यान्न का निर्यात आयात करता था वो ना करे। और दूसरी, जैसे ही पंचवर्षीय योजना आरंभ हुई, तो भारत सरकार ने अपना फोकस शिफ्ट किया विनिर्माण क्षेत्र में, क्लियर है, और भारी उद्योगों का विकास। दोस्तों, जब मैंने आपको ये पहला चैप्टर पढ़ाया था, तब मैंने आपको बताया था कि अंग्रेजों ने कभी भी भारत में जो भारतीय औद्योगिक क्षेत्र था उसका विकास करने की कभी भी कोशिश नहीं की, क्योंकि अगर वो विकास करते थे तो फिर उनकी जो बनी बनाई जो वस्तुएं जो इंग्लैंड से बना के लाते थे वो नहीं बनती। तो थोड़े बहुत उद्योग लगे भी, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध और प्रथम विश्व युद्ध के कारण कुछ उद्योग भारत में स्थापित हुए, जो कि निजी निजी व्यक्तियों के द्वारा किए गए। पर दोस्तों, जो बड़े बड़े उद्योग होते हैं, जो बड़े बड़े उद्योग होते हैं, जो कल पुर्जे बनाते हैं, जो जो ऐसी वस्तुएं बनाते हैं जो उत्पादक निर्माण करते हैं, भारी उद्योग जिन्हें हम कहते हैं भारी उद्योग, जो नट बोल्ट टाइप की जो चीजें बनाती हैं, उनका भी हमने फोकस रखा। जैसे कि अभी एक भारतीय कंपनी है BHEL, जिसे हम भेल कहते हैं। तो ये जो भेल कंपनी है, ये क्या करती है, ऐसे प्रोडक्ट बनाती है जो दूसरी मैन्युफैक्चरर या दूसरे उद्योगपति, मतलब पूंजीपति इस्तेमाल करते हैं। तो भारी उद्योगों पे भी दूसरी पंचवर्षीय योजना पे फोकस किया गया। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पहली और दूसरी का दोनों को समझ में आ गया। अब मैं इसे थोड़ा सा रफ कर लेता हूं, ताकि मैं इसको अच्छे तरीके से आपको समझा सकूं। अब बात करते हैं हम अपने तीसरे पे। तीसरी जो योजना थी हमारी, पहली का बता दिया, दूसरी का बता दिया, अब तीसरी, तीसरी का जो तीसरी योजना थी वो आरंभ हुई हमारी कब, जब इसका अंत हुआ दूसरी का, 1 अप्रैल 1961 में, और ये कब तक चली, 31 मार्च 1966 तक चली, ठीक है, इसके बाद गैप आने वाला है। देखिए, तीन योजना तो बिल्कुल फराटेदार चली, पहली 51 से 56, 56 से 61, 61 से 66, बिल्कुल सब कुछ सही चल रहा था। बट दोस्तों, मैंने आपसे कहा ना
में क्या हो गया था, चाइना से युद्ध हो गया था, जिसके वजह से ये गैप आ गया था दोस्तों, इसी वजह से ये गैप आया था। तो देखिए तीसरी जो पंचवर्षीय योजना थी उसका जो अल्पकालीन उद्देश्य था यानी जो विशिष्ट उद्देश्य था वो था खाद्यान्न के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनना। यानी पहले में तो उत्पादन को बढ़ाया गया और फिर तीसरी में दोबारा से प्राथमिक क्षेत्र जिसे हम कृषि क्षेत्र भी कहते हैं उसके उत्पादन को और बढ़ा के उसमें आत्मनिर्भर बनना। क्योंकि दोस्तों जब तक कोई भी देश खाद्यान्न के मामले में दूसरों पर आश्रित है तो उस देश का कभी भी विकास नहीं हो सकता, उस देश में कभी भी आर्थिक समृद्धि नहीं आ सकती। आर्थिक समृद्धि नहीं आएगी तो आर्थिक विकास नहीं होगा और आर्थिक विकास नहीं होगा तो वहां की जो जनता होगी उनका कभी भी उनके जीवन में सुधार नहीं होगा। और अगर कोई देश की सरकार उसकी उसकी जनता के जीवन में सुधार ना ला पा सके तो फिर जनता उसको अगले साल चुनाव में हरा देती है, जैसा कि अभी होने वाला है 2024 में। तो देखिए इसके बाद पहला तो मैंने आपको बता दिया, दूसरा क्या उद्देश्य था, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना। क्योंकि दोस्तों मैंने आपको दीर्घकालीन उद्देश्य जब बताए थे तब मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया था कि भारत सरकार का उद्देश्य था पूर्ण रोजगार की स्थिति को प्राप्त करना। और पूर्ण रोजगार की स्थिति कब प्राप्त होगी, जब नेचुरल सी बात है रोजगार के ज्यादा से ज्यादा अवसर होंगे। रोजगार के अवसर क्या, जैसे कि रेलवे में जॉब्स निकाली जाए भाई, एसएससी सीजीएल ये जितनी भी जॉब्स होती हैं सरकारी महकमे, जितनी भी सरकारी उद्योग होते हैं, जितनी भी कहते हैं पब्लिक सेक्टर्स होते हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैकेंसी निकाली जाए ताकि लोगों को रोजगार मिले। लोगों को रोजगार मिलेगा तो उनकी आय बढ़ेगी, उनकी आय बढ़ेगी तो नेचुरल सी बात है उनके जीवन स्तर में सुधार आएगा। और आय बढ़ने से दोस्तों वो निवेश भी करेंगे और जैसे जैसे निवेश बढ़ता जाएगा तो भारतीय अर्थव्यवस्था जीडीपी बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ने से आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी और आर्थिक समृद्धि बढ़ने से दोस्तों राष्ट्रीय आय बढ़ेगी, राष्ट्रीय आय बढ़ेगी तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी और प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी तो ये सर्कल चलता ही चला जाएगा। तो दोस्तों रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना किसी भी देश की सरकार का परम उद्देश्य होता है, क्योंकि लोगों को रोजगार ही नहीं मिलेगा तो फिर वो अपने देश अपने जीवन की उन्नति कैसे कर पाएंगे। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं भारत में नहीं अपितु बिल्कुल संपूर्ण विश्व में अभी रोजगार के अवसर ना के बराबर है, रोजगार है ही नहीं लोगों के पास, जिसके वजह से दोस्तों आप देख सकते हैं आपके आसपास कितनी कितने लोग परेशान घूम रहे हैं, क्योंकि रोजगार नहीं है तो दोस्तों कुछ भी नहीं है। तो ये तीसरी योजना का एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण उद्देश्य था कि रोजगार के उद्देश्यों को बढ़ाना और रोजगार के अवसरों को बढ़ाना। तीसरा था असमानता में कमी लाना। असमानता में कमी लाना मतलब क्या, जो दोस्तों गांव देहात में या शहरों में आपने देखा होगा कुछ लोग तो बहुत अमीर है, कुछ लोग बहुत गरीब है, किसी के पास इतना बड़ा घर है, इतना बड़ा घर है कि उसमें दो ही लोग रहते हैं और किसी के पास एक झोपड़े जिसमें 10 लोग रहते हैं। तो ये असमानता ही थी, उस असमानता को कम करने के लिए जो राजकोषीय नीतियां बनाई गई उसमें अमीर लोगों पे क्या लगाया गया, ज्यादा टैक्स लगाया गया, उनसे पैसा उठाया और गरीबों को आर्थिक सहायता दी गई ताकि ये जो हमारी असमानता है इसमें कमी हो सके, मतलब असमानता में कमी लाना। और दोस्तों जिन जमींदारों के पास, जिन ठाकुरों के पास गांव में बहुत ज्यादा जमीनें थी उनसे जमीनें छीनी भारत सरकार ने और भूमिहीन किसानों को दी, जो कि भूमि सुधार आंदोलन के नाम से जाना जाता है दोस्तों, आपने इतिहास में पढ़ा भी होगा उसको। तो ये था दोस्तों हमारी तीसरी योजना। तो देखिए पहली योजना का उद्देश्य, दूसरी का, तीसरी का आपको तो समझ आ गए। अब बात करते हैं हम ये गैप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए दोस्तों 65 में लड़ाई हुई, 66 से यानी 1966 से लेकर 67 यानी 67, 68 और 69 इन तीनों वर्ष पंचवर्षीय योजनाएं लागू नहीं हो सकी क्योंकि भारत की लड़ाई हुई थी चाइना से, क्लियर है। और यहां पे काम चलाने के लिए एक वर्षीय योजनाओं को इंप्लीमेंट किया गया, तो 3 वर्षीय योजनाएं बनाई गई थी एक एक वर्ष की, इसे पंचवर्षीय योजना में शामिल नहीं किया जाता क्योंकि ये केवल काम चलाऊ थी। तो पहला गैप जो आया 3 वर्षों का आया 66 से लेकर 69, ये गैप बहुत ज्यादा जरूरी है, ये आपसे एग्जाम में 100% पूछा जाएगा दोस्तों, मैं पहले ही आपसे कह रहा हूं, ठीक है। फिर इसके बाद जो हमारी चौथी योजना आई
चौथी योजना आई उसका आरंभ हुआ 1 अप्रैल 1969 से, जो कि 74 तक चली। अभी एक साल पहले ही खत्म हो गई थी। ऐसा क्यों हुआ दोस्तों? क्योंकि पहली बार भारत के संसद में गैर कांग्रेस से सरकार आई थी, जो कि एक साल पहले ही गिर गई, जिसने खत्म कर दिया था। तो देखिए, इसका चौथी योजना में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि विकास की प्रक्रिया को तीव्र करना, जो कि विकास किया जा रहा था, जो आर्थिक विकास किया जाता हर मोर्चे पर, भले वो कृषि का मोर्चा हो, प्राथमिक क्षेत्र हो, द्वितीयक क्षेत्र हो, या फिर तृतीयक क्षेत्र हो, उसके जो विकास की जो प्रक्रिया थी बहुत धीरे धीरे होता है। सरकारी काम आप जानते हैं बहुत धीरे धीरे होता है, तो उसमें मतलब क्या लाना, तीव्रता लाना, मतलब जल्दी जल्दी से हम विकास करें, ऐसा बोला गया दोस्तों। फिर कीमत स्थिरता, तो ये भी देखा गया कि जैसे जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था बढ़ती जा रही थी, जीडीपी बढ़ रहा था, राष्ट्रीय आय बढ़ रही थी, देशी आय बढ़ रही थी, तो साथ में वो ये भी देख रहे कि मुद्रा स्फीति भी बढ़ रही थी। मुद्रा स्फीति क्या होती है दोस्तों? जब सभी प्रकार की वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतें लगातार बढ़ती है, जिसे हम इंग्लिश में राइजिंग प्राइस भी कहते हैं, महंगाई बढ़ना, तो महंगाई को कंट्रोल में लाने का भी एक उद्देश्य था हमारी चौथी में, जो कीमत स्थिरता कहलाती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको चौथी भी बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं पांचवी योजना के बारे में। पांचवी पंचवर्षीय योजना, जिसका आरंभ हुआ 1 अप्रैल से 1974 और इसका अंत हो गया 1979 में दोस्तों, इसका जो उद्देश्य था बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य था कि जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, विशेषकर समाज के कमजोर वर्गों का। दोस्तों आप ये बात जानते हैं कि भारत में जो ऊंच नीच बहुत ज्यादा थी, आज भी दोस्तों 2020 की बात भी अगर मैं करूं तो आज भी दोस्तों आपने देखा होगा कि जो भारत की जो 80% धन है, जो इनकम है, वो केवल 20% लोगों के पास है, और बाकी बचा हुआ 20% जो धन है 80% लोग वो आपस में शेयर करते हैं। कुछ ही लोगों के पास इतनी ज्यादा वेल्थ है। अगर मैं नाम लूं, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, रतन टाटा, या फिर हम बात करें गौतम अदानी, और भी बहुत सारे लोग हैं, पर दोस्तों रतन टाटा तो भगवान है भारत के लिए, और मैं चाहता हूं कि उनको दीर्घायु दें और रतन टाटा जैसे लोग हमारे देश में और भी बने। हम सबको रतन टाटा के लिए लंबी उम्र की दुआ करनी चाहिए, क्योंकि रतन टाटा का कोई कंपैरिजन नहीं है दोस्तों, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूं। तो देखिए, ये जो पांचवी योजना थी, इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य रखा गया, जितने भी कमजोर वर्ग थे, भले जैसे कि वो किसान हो गए, मजदूर हो गए, ग्रामीण शहरी मजदूर हो गए, जो भी छोटे मोटे दलित लोग हो गए, दलित महादलित जो गांव देहात में रहते थे या शहरों में भी रहते थे, बहुत ज्यादा गरीब थे, उनके जीवन स्तर में सुधार लाना, ये पांचवी योजना का उद्देश्य था। क्योंकि दोस्तों हमने देखा कि जीडीपी भी बढ़ रहा था, आर्थिक समृद्धि भी बढ़ रही थी, आर्थिक समृद्धि तो बढ़ रही थी बट आर्थिक विकास नहीं बढ़ रहा था। वो राष्ट्रीय आय जो थी वो ज्यादातर लोग, कुछ ही लोग उसका बहुत बड़ा भाग हथिया लेते थे, जिससे सभी लोगों का विकास नहीं हो पा रहा था। तो पांचवी योजना का एक उद्देश्य था कि जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, विशेषकर कमजोर लोगों का। पहले दोस्तों आपने देखा होगा कि जो गरीब लोग होते थे उनके घरों में कैसा होता था, बस एक मिट्टी का घर होता था, टांड होता था, है ना, बहुत। बट आज की डेट में आप देखोगे कि झुग्गी झोपड़ियों में भी दोस्तों कूलर है, एसी है, टीवी है, फ्रिज है। वो कैसे संभव हो पाया? क्योंकि पांचवी पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार ने गरीब लोगों के जीवन स्तर को उठाने का बेड़ा लिया। और वो कैसे उठाया गया? नेचुरल सी बात है, उन्हें रोजगार दिया गया, कुछ सरकारी लाभ दिया गया, ताकि उनके जीवन स्तर में सुधार आए। क्लियर है दोस्तों? फिर इसके बाद दोस्तों देखिए, पहली तीन योजना चली नो गैप, फिर 3 वर्षों का एक गैप आया, फिर 2 योजना चली, फिर 2 वर्षों का 1 वर्ष का गैप आया। यहाँ पे 3 वर्षों के लिए एक एक वर्षीय योजना बनाई गई, यहाँ पे फिर 1 वर्ष के लिए योजना बनाई गई। तो पहले 3 के बाद गैप है, फिर 2 सही चली, फिर 1 गैप आया। ये गैप आया दोस्तों 79 से 80, यानी 1 वर्ष के दौरान। और ये गैप के पीछे का कारण दोस्तों इंदिरा गांधी की सरकार का गिर जाना, ये बात आप समझिए। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं छठी योजना, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है।
छठी योजना की अगर हम बात करें, अगर हम पंचवर्षीय छठी योजना की बात करें, तो छठी योजना का आरंभ हुआ 1 अप्रैल 1980 में और इसका अंत हुआ 1985 में, और 85 में 31 मार्च 1985 में। अब इसका उद्देश्य, क्योंकि इंदिरा गांधी की सरकार गिर चुकी थी, इंदिरा गांधी दोबारा आई, सॉरी मर गई थी 82 में, तो माफी चाहता हूं, बट कांग्रेस की सरकार दोबारा आई, तो फिर उन्होंने जो गरीब जनता थी उनका ध्यान देना स्टार्ट किया, क्योंकि गरीबी बढ़ रही थी, आप समझ रहे हो, गरीबी बढ़ने के कारण ही उनकी सरकार चली गई। तो जैसे ही वो दोबारा सत्ता में आए, तो उनका एक रीजन था, उन्होंने पंचवर्षीय योजना का आरंभ किया और उनका पहला उद्देश्य लगा तथा निर्धनता का उन्मूलन करना। निर्धनता का उन्मूलन करना मतलब निर्धनता मतलब गरीबी को कम करना। अब कैसे किया गया, फ्री राशन दिया गया दोस्तों, बीपीएल कार्ड दिए गए उनके लोगों को, उन्हें शिक्षित किया गया, उन्हें मिड डे मील की फैसिलिटीज दी गई, उनके बच्चों को पढ़ाया गया ताकि गरीबी का उन्मूलन किया जाए। बहुत प्रकार की मनरेगा की नीति अपनाई गई दोस्तों, उन्हें ग्रामीण जहां वो रहते हैं वहीं पर उनको रोजगार दिया गया, यानी इसका उद्देश्य था निर्धनता का उन्मूलन करना, का मतलब होता है गरीबी को दूर करना। और गरीबी दूर कब होगी दोस्तों, उनको रोजगार दिया गया, उन्हें सरकारी मतलब सुविधाएं दी गई और कई प्रकार से भारत सरकार ने उनकी मदद की गई, जिसकी वजह से दोस्तों आज की डेट में निर्धनता काफी हद तक हमारे देश में कम हो गई। पूर्ण रूप से तो नहीं हुई बट काफी हद तक, अगर हम 47 से कंपेरिजन करें 47 से, तो काफी हद तक कम हो गई है दोस्तों। इसके बाद असमानता में कमी लाना, ये बात तो पीछे भी थी कि भाई असमानता में कैसे लाएंगे, भाई अमीर लोगों से ज्यादा टैक्स लो, गरीब लोगों को ज्यादा आर्थिक आर्थिक सहायता यानी आर्थिक व्यय मतलब सरकारी व्यय दिया जाए। क्लियर है, ये तो बहुत ही सिंपल है। आधारिक संरचना का विकास करना, अभी आधारिक संरचना क्या होती है, जो दोस्तों आप जिस रोड पे चलते हो, पुल होते हैं, हमारे बैंकिंग सिस्टम है, ये जितनी भी चीजें हैं ना, ये हमारे सभी आधारिक संरचना है। यातायात के साधन हो गए, जनसंचार के साधन हो गए, रोड हो गए, सड़कें हो गई, वायुयान हो गए, ये जितनी भी चीजें हैं ना दोस्तों, ये आधारिक संरचना में आती है। जितनी अच्छी आधारिक संरचना होगी ना किसी भी देश की, वहां की वहां पे उतना ही अच्छा कृषि भी होगा, उतना ही अच्छा उद्योग होगा। क्योंकि दोस्तों मान लीजिए आप एक फैक्ट्री लगाते हो और आपके आसपास के एरिया की रोड बहुत खराब है, तो आप उतनी स्मूथली अपनी ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों छठी योजना का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य था कि आधारिक संरचना का विकास करना, यानी बेहतर सड़कें बनाए जाए, बेहतर पुल बनाए जाए और ऐसी चीजें बनाए जाए जिसका सभी समाज के सभी वर्गों को समान रूप से फायदा हो, इसे हम आधारिक संरचना कहते हैं। इसके बारे में मैंने वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां पर जाके देख सकते हैं। सातवीं जो योजना थी दोस्तों हमारी, सातवीं योजना जिसका आरंभ हुआ 1 अप्रैल 1985 में और अंत हुआ 1990 में, यहां पे इसका उद्देश्य था रोजगार के नए अवसरों को पैदा करना। अब रोजगार के अवसरों को नया पैदा करना, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको पहले ही कहा, कोई भी देश आर्थिक विकास को तभी प्राप्त कर पाएगा जब रोजगार के अवसर होंगे उसके पास, जब लोगों को रोजगार मिलेगा। दोस्तों अगर हम मैं बात करूं नरेंद्र मोदी सरकार की, नरेंद्र मोदी ने कुछ भी किया, बहुत कुछ किया, बहुत लोग कहते हैं कि विदेशी नीति हमारी स्ट्रांग हुई, उन्होंने पूरे विश्व में हमारा नाम कर दिया, बट भैया मैं तो इतना सा मानता हूं कि उन्होंने रोजगार नहीं दिया। अगर हम 2014 से कहें और 2020 चल रहा है, तो रोजगार में इतनी भारी कमी आई है जिसकी कोई कमी नहीं है। तो दोस्तों मैं तो पूरी रूप से मैं तो नहीं मानता हूं, क्योंकि कोई भी सरकार जब तक रोजगार ही नहीं देगी लोगों को, तो वो सरकार कभी भी लोगों के लिए अच्छी नहीं मानी जा सकती। अगर आप मेरी इस बात से सहमत है, तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि आप मुझसे सहमत हैं या नहीं है। तो आप देखा कि रोजगार के नए अवसर पैदा किए। इसके बाद जो उद्देश्य था कृषि की उत्पादकता में वृद्धि करना, उत्पादकता पहली जो योजना थी उसमें उत्पादन को बढ़ाना। उत्पादकता और उत्पादन में क्या अंतर है, आपने इतने छोटे से क्षेत्र में कृषि की बट गेहूं उसमें से ज्यादा मिला, यानी जो आपने जितने रेशियों पे खेत फसल बोई उसके कंपैरिजन में आपको प्राप्ति ज्यादा हो गई। पहले आप बहुत बड़े क्षेत्र में खेती करते थे बट उत्पादन उससे कम आता था, बट फोकस हमारा सातवीं
पंचवर्षीय योजना में शिफ्ट हुआ और ये हमारा आ गया उत्पादकता पे। अब हम कम क्षेत्र से ज्यादा उत्पादन प्राप्त करने की कोशिश करते थे, बहुत ही सिंपल सी बात है। फिर दोस्तों आपको पता है कि हमारे 1991 में 1990 में ही और 91 में ही दोस्तों एक नई आर्थिक नीति का आरंभ हुआ, जिसे हम एलपीजी की नीति से जानते हैं, जो कि इसके बाद का चैप्टर है। उसके वजह से दोस्तों यहाँ पे एक दो साल का गैप आ गया उसे इम्प्लीमेंटेशन करने के कारण। तो ये गैप आपको याद रखना है। तो आप कैसे याद रखेंगे, पहले 3 के बाद गैप, फिर 2 के बाद गैप, फिर 2 के बाद गैप। तो ये 3 गैप आपको याद रखने हैं। अगर ये 3 गैप आपको याद रहते हैं तो यकीन मानिए कि आप इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपसे अगर डेट वेट पूछी जाएगी तो आप 100% बता पाएंगे। तो ये देखिए 1 अप्रैल 1990 से लेकर 31 मार्च 1962 में एक वर्षीय योजनाओं का आरंभ किया गया, क्योंकि भारत बहुत बड़े आर्थिक सुधार की तरफ बढ़ रहा था। जब मिस्टर मनमोहन सिंह जब हमारे वित्त मंत्री थे, उन्होंने वर्ल्ड बैंक, स्विस बैंक, इनसे जाके एलपीजी की नीति अपनाई। और दोस्तों मिस्टर मनमोहन सिंह का जो 10 साल का कार्यकाल था वो बहुत ही शानदार था। और मिस्टर मनमोहन सिंह यानी कहते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह बहुत ही अच्छे प्रधानमंत्री थे। भले वो कम बोलते थे बट उनका काम बोलता था। दोस्तों अगर आप सहमत है तो आप मुझे जरूर कमेंट में बताएं। और हम मैं बहुत मिस करता हूं उनको आज की डेट में, क्योंकि उनके टाइम पे कभी भी रोजगार की कमी नहीं रही जो आज हम सामना कर रहे हैं। दोस्तों आठवीं योजना की अगर हम बात करें, आठवीं योजना की, तो आठवीं योजना में जो कि हमारी स्टार्ट हुई 1 अप्रैल 1992 से और 1997 तक ये चली, इसमें अब योजना उद्देश्य देखिए आप थोड़े से बदल जाएंगे, थोड़े विशिष्ट उद्देश्य आ जाएंगे। पहला, शताब्दी के अंत तक मानव शक्ति का पूर्ण उपयोग करना। अब मानव शक्ति मतलब क्या होता है दोस्तों, भारत की जो जनसंख्या है ना वो इतनी ज्यादा जनसंख्या है कि भारत सरकार उसका पूर्ण उपयोग कर ही नहीं पाती थी। तो आठवीं पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार ने यह निर्णय लिया कि जो भारत की जो जनसंख्या है, भारत की जो जनसंख्या है उसका हम क्या करेंगे, पूर्ण उपयोग कर पाए। कैसे कर पाएंगे, उनको ज्यादा से ज्यादा रोजगार देके। क्लियर है, ये तो बहुत ही सिंपल सी बात। इसके बाद दोस्तों प्राथमिक शिक्षा को सर्वव्यापी बनाना, प्राथमिक शिक्षा को सर्वव्यापी बनाना, यानी दोस्तों प्राथमिक शिक्षा को क्या कर दिया, निःशुल्क कर दिया और अनिवार्य बना दिया सभी के लिए। देखिए दोस्तों हम 92 से लेकर आप देख लीजिए कि स्कूलों में लगातार सुधार होते गए। प्राथमिक शिक्षा आज की डेट में निःशुल्क और अनिवार्य बना दी गई है। अगर कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को नहीं पढ़ाता है, प्राथमिक शिक्षा नहीं दिलवाता है, तो उसके अगेंस्ट कानूनी कार्रवाई की जा सकती है दोस्तों, क्योंकि ये निःशुल्क बना दी गई थी और ये आठवीं योजना में ही आरंभ हुआ। और ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि किस पंचवर्षीय योजना में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य तथा निःशुल्क बनाया गया, तो वो आठवीं योजना में बनाया गया। और दोस्तों इस समय भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो बड़ी तेजी से बदल रही थी, क्योंकि भारत ने एलपीजी की नीति को अपना लिया था, ये बात आप समझे। आधारिक संरचना को मजबूत बनाना, अभी इससे पहले भी था उद्देश्य आधारिक संरचना और मजबूत बनाना, और पुल बनाएंगे, ट्रेन की पटरियां बिछाएंगे। जितनी ज्यादा आधारिक संरचना, अच्छे पुल होंगे, अच्छी बंदरगाह होंगे, अच्छे एयरपोर्ट्स होंगे, तो जितनी चीजें अच्छी होंगी उतने ही हमारे देश की जो आर्थिक गतिविधियां उनमें बढ़ावा आएगा, उद्योग बढ़ेगा, कृषि बढ़ेगी, सेवा क्षेत्र बढ़ेगा। बट उन सब के लिए दोस्तों आधारिक संरचना बहुत जरूरी है। बैंकिंग सिस्टम अच्छा होना चाहिए, बीमा सेक्टर बहुत अच्छा होना चाहिए, यातायात के साधन अच्छे होने चाहिए, जनसंचार के साधन अच्छे होने चाहिए। जब ये सब चीजें अच्छी होंगी तभी देश आर्थिक विकास की तरफ बढ़ेगा दोस्तों। इसके बाद हमारी 9वीं जो पंचवर्षीय योजना है उसका उद्देश्य था
कृषि तथा ग्रामीण विकास। अब कृषि और ग्रामीण विकास की तरफ उद्देश्य शिफ्ट हुआ, क्योंकि देखा गया कि जो शहरी लोग थे उनके जीवन स्तर में तो काफी सुधार आ रहा था, बट जो ग्रामीण लोग थे जो गांव देहात में रहते थे उनके जीवन में विकास मतलब उन्नति नहीं हो रही थी। तो इसलिए भारत सरकार का जो फोकस शिफ्ट हुआ वो ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ हुआ। फिर इसके बाद इसी का उद्देश्य था कि स्थिर कीमत स्थिरता के साथ समृद्धि। यानी दोस्तों आप ये तो देख पा रही थी भारत सरकार की भैया जीडीपी बढ़ रहा है, जीडीपी बढ़ रहा है तो राष्ट्रीय आय बढ़ रही है, राष्ट्रीय आय बढ़ रही है तो लोगों की आय बढ़ रही है। बट वो साथ में ये देख रहे थे कि लोगों की आय तो बढ़ रही है बट साथ में वस्तु तथा सेवाओं की कीमतें भी बढ़ रही हैं। तो दोस्तों स्थिर मतलब समृद्धि यानी आर्थिक समृद्धि में वृद्धि तो करना, यानी जीडीपी में बड़ा वृद्धि तो करना बट कीमत स्थिरता के साथ, महंगाई नहीं बढ़ने देना। महंगाई क्योंकि आप जानते हो महंगाई बहुत तरीके से गरीब इंसान के लिए बहुत ज्यादा दुखदाई होती है। और दोस्तों अगर महंगाई पर आप एक फिल्म देखना चाहें तो रोटी कपड़ा मकान से बेहतर कोई फिल्म नहीं हो सकती, जिसमें बहुत ही ज्यादा डीप में बताया गया है कि महंगाई का प्रभाव एक आम व्यक्ति पर, एक गरीब व्यक्ति पर कैसा पड़ता है। इसके बाद दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट एक उद्देश्य रखा गया, जनसंख्या वृद्धि को रोकना, क्योंकि दोस्तों भारत में जनसंख्या का विस्फोट हो रखा था। सन 1947 के बाद भारत की जो जनसंख्या थी वो चाइना को पीछे छोड़ने में लगी पड़ी थी। और दोस्तों भारत सरकार ने ये देखा कि हम जो भी नीतियां बनाते हैं, जो भी कार्यक्रम करते हैं, हम करते हैं 100 लोगों के लिए बच्चे पैदा हो जाते हैं 1,000, तो कहां से नीति, कहां से उद्देश्य पूरा होगा। तो इसलिए भारत सरकार ने ये निर्णय लिया कि भैया जनसंख्या में भी क्या की जाए, कंट्रोल किया जाए। लोगों ने सार्वजनिक मंच में लोगों ने बोला, प्रधानमंत्री ने, राष्ट्रपति ने, हम दो हमारे दो, इस तरीके के विज्ञापन लगाए गए और लोगों को समझाया गया, कुछ नसबंदियां भी कराई गई उस समय में जनसंख्या पे कंट्रोल किया जाने के लिए किया। और दोस्तों जनसंख्या को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी भी है, क्योंकि कोई भी देश की सरकार तभी सफलतापूर्वक कार्य कर सकती है जब जनसंख्या भी एक निश्चित अनुपात में बढ़े। अगर वो विस्फोट होता जाएगा, ओवर पॉपुलेशन हो जाएगा, तो कोई भी सरकार कोई भी नीति बना ले उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। तो दोस्तों अब बात करते हैं आखिरी 10वीं योजना का, जो 10वीं पंचवर्षीय योजना है। इसमें क्या था, उपभोग के स्तर में वृद्धि करना, स्वास्थ्य शिक्षा संबंधित सुविधाओं में सुधार लाकर जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना। अगर मैं शॉर्ट में कहूं कि जीवन स्तर में सुधार करना, और जीवन स्तर में सुधार कब होगा, जब उन्हें बेहतर शिक्षा मिलेगी, बेहतर स्वास्थ्य मिलेगा। सिंपल यार, देखिए आप ना एक बात समझिए, पांच चीजें होती हैं जो एक व्यक्ति के आर्थिक विकास के लिए अतिपूर्ण होती है, जिन्हें हम बेसिक नीड्स भी कह सकते हैं। पहले रोटी कपड़ा मकान, ये तो प्राथमिक है। द्वितीय कौन सी होती है, स्वास्थ्य और शिक्षा। ये पांच जब तक चीजें हर व्यक्ति को नहीं मिलेगी, तब तक एक देश के प्रत्येक नागरिक के जीवन स्तर में सुधार नहीं आएगा। तो उपभोग के स्तर में देखिए, उपभोग शिक्षा का भी उपभोग होता है, स्वास्थ्य का भी उपभोग होता है। असमानता को कम करना, तो ये तो मैं पहले ही बता चुका हूं, असमानता वो कैसे की जा सकती है, कर नीति के माध्यम से की जा सकती है। तो ये मेरा आज का था वीडियो दोस्तों, आपको कैसा लगा। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर बना होगा, पर दोस्तों वीडियो आपको काफी पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।